हेलो बच्चों, आज की इंग्लिश की क्लास में हम करने जा रहे हैं वर्कबुक पार्ट टू का पेज नंबर 13। और पेज नंबर 13 में आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? इसको हिंदी में सर्वनाम भी बोलते हैं। और ये कौन से शब्द होते हैं जो नेमिंग वर्ड्स यानी नाम वाले शब्दों की जगह आते हैं? तो बच्चों, आज हम ये कुछ रूल सीखने जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या है, आई, इसका मतलब क्या होता है? आई मीन्स मैं। तो यहाँ पे हमेशा हमें याद रखना, आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एम। जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाऊंगी, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। और आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम यूज होता है। तो एम की हिंदी क्या होती है? हूँ। तो हिंदी में जो हूँ निकलता है अर्थ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम। तो आई के साथ हमेशा एम ही यूज होता है। फिर है हमारा ही। किसी लड़के का नाम है, उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं? ही। ही माने वह, और ये ही हमेशा किसके लगेगा? लड़के के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ राम इज़ अ गुड बॉय, तो मैं राम हटा के क्या लगा सकती हूँ? ही इज़ अ गुड बॉय। तो हम, ये हमारा प्रोनाउन है। शी भी प्रोनाउन है, इसका मतलब भी वह ही होता है, लेकिन ये लड़की की जगह लगता है। जैसे राधा इज़ अ गुड गर्ल, तो हम राधा को हटा के क्या लगा सकते हैं? शी इज़ अ गुड गर्ल। तो ये हमारा प्रोनाउन है। फिर हमारा इट आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ ना लड़का है ना लड़की है, तो उसमें हम ही शी तो नहीं लगा सकते, तो वहाँ क्या लगाते हैं? इट। जिनमें जान नहीं होती, जिन चीज़ों में जान नहीं होती, उनके लिए हम क्या लगाते हैं? इट। जैसे चौक है, तो अगर मैं चौक की जगह क्या लगा सकती हूँ? इट। सो लाइक इट इज़ स्मॉल, मैं कहूँ चौक इज स्मॉल, तो चौक हटा के इट भी लगा सकती हूँ। और इसके साथ हमेशा क्या आता है? इज़। यानी जब भी कभी ही शी इट आएगा, हमेशा क्या लगाना? इज़। और इसकी हिंदी क्या होती है? अगला है हमारा यू। जैसे तुम, हम जब हिंदी में बोलते हैं तुम अच्छे हो, तुम क्या बोलते हैं? यू। और यू के साथ हमेशा क्या आता है? आर। तुम अच्छे हो, तो यू आर गुड। तो इसकी हिंदी क्या होती है? हो की, यहाँ पे आर ही लगता है। और यू हमेशा तुम सब, ज़्यादा लोग हैं, अगर मैं एक है उसके लिए भी तुम अच्छे हो, तुम सब अच्छे हो, तो इसमें भी हम क्या लगाते हैं? यू ही लगाते हैं, और उसके साथ आर ही आता है, तो उसकी हिंदी क्या निकलेगी? हो। अगला है हमारा वी। वी माने हम। जैसे हम अच्छे हैं, तो क्या बोलेंगे? वी। और वी के साथ इसमें क्या आता है? आर। हम अच्छे हैं, अब यहाँ हैं ज़्यादा हैं, तो है पे बिंदी आई, वी आर गुड। तो यहाँ पे हैं की हिंदी भी जो निकलेगी, है जो हिंदी आ रही है, वो भी इंग्लिश के लिए क्या लगेगा? उसमें आर। सो वी के साथ भी आर आता है, इसकी हिंदी होती है हम। दे के साथ क्या आता है? दे की पहले मतलब क्या होता है? दे माने वे, तो इसके साथ भी क्या आता है? आर। ठीक है, दे आर गुड, वे अच्छे हैं। तो बच्चों, कुछ हमने एग्जाम्पल लिए, इसमें हम देखेंगे कैसे। देखो, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो यानी ये आई है, देखो, और आई के साथ क्या हुआ है यहाँ पे? एम। इसी तरह से ही इज अ मैन, वह आदमी है, तो ही, देखिए ही, और यहाँ इसके ही के साथ क्या आता है? इज। तो मैन, क्योंकि मैन आदमी है, तो इसके साथ ही आया। शी इज माय सिस्टर, सिस्टर बहन होती है, तो मैंने बताया लड़की वाला जो होता है, फीमेल जो होती है, उसके लिए क्या लगाते हैं? शी। और शी के साथ भी क्या आता है? इज, हमने यहाँ सीखा भी है। इट इज माय बैग, अब बैग ना लड़का है ना लड़की, इसमें जान नहीं है, तो हमने भी सीखा था, इसके लिए क्या आता है? इट। और इट के साथ भी क्या आता है? इज। अनु इज़ माई फ्रेंड, अब अनु मेरी दोस्त है, यहाँ पे हमने सीखा नहीं है, तो इसमें हमारी प्रोनाउन कौन सी है? यहाँ पे हमने, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है? हमारा नेमिंग वर्ड ही है, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, लेकिन हमारी प्रोनाउन क्या है इसमें? माय। इसी तरह से यहाँ पे क्या है हमारी? यू आर अ स्टूडेंट, तो प्रोनाउन क्या है इसमें हमारी? यू। यू के साथ क्या आता है? आर। यू आर माई फ्रेंड्स, इसमें भी हमारी क्या है? तुम मेरे दोस्त हो, तो यू है, सब ज़्यादा के लिए आ रहा है, इसके साथ भी आर ही आएगा। दे आर माई टीचर्स, यानी वे मेरे टीचर्स हैं, तो दे माने वे, और इसके साथ भी क्या आता है? आर। तो बच्चों, आज हमने सीखा प्रोनाउंस, अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।